अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसीब इकबाल। तो आज जो है हम छोटा सा व्लॉग है, छोटी सी वीडियोस हैं कुछ जो कि हैं मिस्टर ह्यू कैशपोल के बारे में, उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और उनके जो जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को, तो उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो है और छोटा सा एक व्लॉग है। तो मेरे साथ आप लोग चलेंगे, हम उसको देखेंगे कि मिस्टर ह्यू कैशपोल की ग्रेव यार्ड कहाँ पर है, उन्होंने कौन कौन से कॉलेजेस में कंट्रीब्यूट किया, किस कॉलेज के वो प्रिंसिपल रहे, किस कॉलेज के के फाउंडर प्रिंसिपल रहे, तो वो सारी जो बातें हैं, जिन जिन कॉलेजेस में वो रहे, जिन जिन कॉलेजेस में उन्होंने अपना वर्कआउट किया, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे। तो जी, जैसे ही आप कैरियर कॉलेज समदाल के कैफेटेरिया से लेफ्ट साइड पे होते हैं तो ये इसकी ग्रेव यार्ड स्टार्ट हो जाती है। तो ये ग्रेव यार्ड है जो कि कैरियर कॉलेज हसमदाल में है। इसके इर्द गिर्द कैफेटेरिया के बिल्कुल बैक साइड है जहाँ पर इसकी ग्रेव यार्ड है। तो इस तरह साइड पे इन्वायरमेंट है। तो ग्रेव यार्ड की तरफ चलते हैं, तो जब नीचे ग्रेव यार्ड की तरफ हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे इनकी अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं, इनके जो जो जिस जिस कॉलेज में सर्व किया वो लिखा हुआ है, सितारे इम्तियाज थे ये, और इनकी बड़ी सी पिक्चर भी लिखी हुई है मिस्टर ह्यू कैशपोल के नाम से। तो यहाँ उनकी ग्रेव यार्ड है बहुत बड़ी और अच्छी, जिस पे हर साल जो है वो फूल भी चढ़ाए जाते हैं। तो इसमें जो है आगे इनकी चिमट लिखी हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है किस किस कॉलेज में थे, इनका फेवरेट टीचर कौन था, मास्टर इन हिस्ट्री थे, किस स्कूल से पढ़े, इप्सविच स्कूल से पढ़े, और होम एड्रेस इनका कहाँ था, इंग्लैंड में, और जो डेथ इनकी 1 February 1997 में हुई थी। उसके बाद इनके सिविल अवार्ड लिखे हुए हैं, सितारे इम्तियाज थे, ब्रिटिश एम्पायर के, कैरियर कॉलेज हसमदाल में सर्व किया, सरगोदा में किया, इंडियन मिलिट्री कॉलेज में किया, रैप्टबाद स्कूल में भी किया। तो एक ग्रेव यार्ड है इनकी जिस पे मिस्टर ह्यू कैशपोल लिखा हुआ है, और इनके ऊपर भी इनके बारे में कुछ कोट्स लिखे हुए हैं जो कि अब मैं आपको पढ़ के नहीं सुना सकता। और यहाँ पे इनके जो चीज़ें लिखी हैं, इधर एक और बड़ा सा लिखा हुआ है, हियर लाइज द मैन हू फाउंडेड दिस ग्रेट इंस्टीट्यूट। लेकिन इनकी एक नसीहत थी कि मुझे जो है दफनाया जाए, वो जो है वो सिर्फ कैरियर कॉलेज हसमदाल में दफनाया जाए, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी वो कैरियर कॉलेज हसमदाल को दे दी थी, जिस पे आज भी कॉलेज कायम है। तो इनकी ये नसीहत थी कि मुझे उधर दफनाया जाए। तो इनकी डेथ एबटाबाद में हुई थी। एबटाबाद के बाद जो है इन्हें कैरियर कॉलेज हसमदाल लाया गया था और इस जगह पर इनको दफनाया गया था। तो ये जो है थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन था और उनका कहाँ पे ग्रेव यार्ड है और ये सारी बातें। वो अगर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।